हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के स्टॉक के बारे में। आज वॉल्यूम्स के साथ देखिए नया आपको 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिला है 78.5 का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या यहाँ पे BHEL के अंदर कल भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्या कल आपको BHEL 80 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है, क्या करना है देखिए आपको यहाँ से BHEL में आगे के लिए। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, 77 की क्लोजिंग 3.10 रुपये बढ़ा, 4.19% तक की आपको देखिए BHEL के अंदर आज बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। और BHEL में देखिए, जिन लोगों ने पहले से पैसा लगा रखा था उनको लगातार कहता था होल्ड करके चलिए, होल्ड करके चलिए, होल्ड करके चलिए। और आज आप देखिए वापस से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, 78.5 का आज का देखिए हाई बना, जो उसका नया 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिला। 80 रुपीज़ के लेवल्स तो देखने को नहीं मिल पाया आज, लेकिन अभी भी यहाँ पर BHEL के अंदर एक बढ़िया तेज़ी हो सकती है, बढ़िया तेज़ी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब आज का चार्ट अगर हम नज़र डालते हैं तो देखिए हमको देखने को मिलता है कि शुरुआत BHEL की कोई खास नहीं होती है, जैसे लगातार आपको देखने को मिल रहा था। लगातार देखिए ये स्टॉक भी यहाँ पे आपको आज कंसोलिडेशन और एक गिरावट दिखा रहा था, लेकिन आज दोस्तों जो थीम थी वो थी अनलॉक ट्रेड की थीम। लगातार देखिए, अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ कि अब अनलॉक ट्रेड की शुरुआत होने वाली है। और आज देखिए जिस तरह से पावर सेक्टर ने एक तेज़ी दिखाई, आप देखिए अडानी पावर, टाटा पावर, आर पावर, ये सब पावर सेक्टर के देखिए जो भी स्टॉक्स थे आप उनके अंदर एक बड़ी तेज़ी, पावर ग्रिड। तो लगातार देखिए अब आपको यहाँ पे अनलॉक ट्रेड की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी, और लगातार देखिए ये स्टॉक्स अब आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए BHEL एक स्टॉक है जो चलता हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इनकी वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर देखिए अब आपको ध्यान देना है, याद रखना है आपको BHEL के लिए हफ्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज BHEL के इस हफ्ते आपको Q4 के नंबर्स आते हुए नज़र आने वाले हैं। फ्राइडे को देखिए कंपनी के Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए BHEL वैसे भी फोकस में रहेगा। कल भी देखिए मैंने वीडियो बनाया तो आपको कहा कि इन लेवल्स पे अभी लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि एनालिस्ट का माने तो वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि नंबर्स इस बार आपको बढ़िया आते हुए नजर आएंगे, कंपनी घाटे में से आप इस बार आपको मुनाफे में आती हुई नज़र आएगी। तो आप समझ के चलिए कि BHEL के लिए बहुत ही बढ़िया तेज़ी का टाइम है, और BHEL यहाँ से बढ़िया तेज़ी आपको करता हुआ देखने को मिलेगा। अब आज क्या दोस्तों, यहाँ पे हमको निकालना है कि सबसे बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस का देखने को मिली है। आज स्टॉक ने सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने को मिली है वो 76.5 के ऊपर की क्लोजिंग है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था दोस्तों, 76.5 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी जो आज मुझे देखने को मिल गई। और अब ये दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि आज क्लोजिंग देखने को मिली है तो थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे आपको जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा कल यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे कल 76.5 पे सपोर्ट लेना चाहिए। अब ऊपर की क्या बात करें, ऊपर की देखिए बात करें तो स्टॉक के अंदर 78.5 का रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ऑफ कोर्स देखिए सिर्फ आज एक बारी वो आपको लेवल टच करता हुआ देखने को मिला, अदरवाइज आप देखेंगे पूरे टाइम वो स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन 78.5 का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है स्टॉक के लिए, और हो सकता है कि देखिए 78.5 का रेजिस्टेंस कल शुरुआत के आधे एक घंटे के अंदर टूटता हुआ देखने को मिले। आज देखिए 5 बजे आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की देखिए संबोधन है, वो क्या बोलते हैं डेफिनेटली मार्केट की उस पर देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखेगा मार्केट कैसा हो सकता है वो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी कि यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट होते हैं, क्या हमारे देखिए इकोनॉमिक के लिए कोई अनाउंसमेंट होते हैं, डेफिनेटली देखिए अभी तक कोई खबर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मार्केट उसको देखिए बहुत वाइजली वॉच करेगा। और BHEL मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देने की फिर से तैयारी कर रहा है। यहाँ पर अभी भी कह रहा हूँ जिन लोगों ने ले रखा है बेचिए मत, ये लेवल जब तक आपको 3 फिगर्स में नहीं मिल जाए ये स्टॉक, तब तक आपको बेचने के बारे में नहीं सोचना है। ये स्टॉक के अंदर देखिए बहुत पोटेंशियल है, और पोटेंशियल देखिए अनलॉक हो रहा है। देखिए जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आएगा कि आपको जब भी कोई तेज़ी देखने को मिलती है तो उसके बाद कंसोलिडेशन देखना ज़रूरी है, और वही देखिए BHEL ने कंप्लीट किया है। और अब फिर से देखिए यहाँ पर BHEL आपको तेज़ी करके दिखा रहा है। कल के लिए क्या करना है चलिए अब आपको ये बताता हूँ। देखिए जो आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक 78.5 का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको आज होल्ड करता हुआ नजर आया। 78.5 का रेजिस्टेंस आज टूट नहीं पाया, लेकिन सपोर्ट देखिए जो लाइन बनती हुई नजर आ रही है आपको वो है 76.5 का। अब 76.5 के अगर रेजिस्टेंस को ये जो सपोर्ट है सॉरी उसको अगर ये बचा लेता है तो आप समझ के चलिए कि तेज़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, और 76.5 का सपोर्ट बहुत क्रुशल होगा।
लेकिन अगर कल वो टूट जाता है या फिर बाज़ार में कल आपको गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ऑल टाइम हाईस पर चल रहे हैं और यूएस मार्केट पर आज देखिए पूरा डिपेंडेंट होंगे हम कैसे यूएस मार्केट खुलते हैं, लेकिन अगर कल यहाँ पे बाज़ार गिरता है तो क्या 76.5 के सपोर्ट को बचाएगा? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बार तो यहाँ पे आपको 76.5 का सपोर्ट बचता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल होल्ड करके चलना है। करना क्या है कल के लिए, चलिए आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले देखिए टेक्निकल्स के ऊपर नजर डालेंगे। अब टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो आखिरी मिनटों में क्या हुआ है, आखिरी मिनटों में आपको देखने को मिला है कि स्टॉक के अंदर अभी जो बाइंग है वो सेलिंग में तब्दील हुई है। आखिरी के कुछ मिनटों में आप देखें स्टॉक नीचे भी आया है, 78.5 से 76.85 की क्लोजिंग। तो आप समझ के चलिए कि स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है ऊपर के लेवल से, इसलिए सेलिंग प्रेशर फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का माने तो वो स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मूड माहौल चेंज हुआ है, एक तेज़ी से स्ट्रॉन्ग सेलिंग तब्दील हुई है, तो डेफिनेटली देखना होगा कि कल कैसा करता है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो स्टॉक के अंदर अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लोजिंग बहुत बढ़िया है। तो जो लेवल्स आपको कल दे रहा हूँ 75.70, 77.45, ये दोनों रेजिस्टेंस आज क्रॉस हुए थे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। लेकिन कल अगर 77.50 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो आप समझ के चलिए कि स्टॉक में एक और फिर बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिल सकती है और कल 80 रुपये के लेवल्स के लिए स्टॉक जा सकता है। कल अगर बाजार में थोड़ा बहुत भी तेजी हुई तो ये 80 रुपये का लेवल डेफिनेटली कल आपको अचीव करता हुआ नजर आएगा। CMP पे बाय करने की यहाँ पे सलाह होगी। टारगेट रखना है आपको BHEL का, यहाँ से जो मुझे लगता है कल के लिए होगा 80 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है यहाँ पे आपको कल BHEL के अंदर, वो करके चलना है 76 रुपीज़ का। 76.5 का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ी सी रेंज हम बड़ी लेके चलेंगे 1 रुपये के आसपास की। तो 76 का स्टॉप लॉस, 80 रुपये के टारगेट। अगर होल्ड करेंगे यहाँ से तो 100 रुपये के लक्ष्य भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। होपफुली टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊँ तो वो मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा 100 रुपये का लेवल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।